नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी। दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को थाना सिंभावली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। अवैध असलहा मई जिंदा व कोका कारतूस व फर्जी नंबर प्लेट लगी एक सेंट्रो कार, एलपीजी सिलेंडर व चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम आमिर निवासी ग्राम फुलड़ी थाना गढ़ मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ होना बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का चोर अपराधी है जो थाना सिंभावली से चोरी के उपयोग में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में चोरी व गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है व आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दिलशाह अहमद की खास रिपोर्ट। थाना सिंभावली पर एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई, वो चोरी हुई थी सराफा की दुकान से कस्बा सिंभावली में, वहाँ से इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर सिंभावली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जगह जगह चेकिंग की गई। तभी 4 घंटे के अंदर बक्सर पुल नहर पुल के पास एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई पुलिस की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उसका नाम आमिर है जो कि फुलड़ी थाना गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है। उसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं और वह गैंगस्टर भी है। मौके का फायदा उठाकर उसका एक साथी भागने में सफल रहा है जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। उसके कब्जे से हमें एक सेंट्रो कार, मैं फर्जी नंबर प्लेट और एक अदद तमंचा 315 बोर, मैं जिंदा कारतूस खोखा कारतूस, चोरी करने के अन्य उपकरण और एक LPG गैस सिलेंडर और एक गैस कटर, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर और चोरी किए गए 100% आभूषण हमें बरामद हुए हैं और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित।